इस विचाले वड्डी खबर साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर का वड्डा बयान सामने आया है। तो उन्होंने जिक्र किया है कि JJP लोक सभा चोणा जिहड़ा लड़ना चाहुंदी सी, इसलिए सीटां दी मांग कर रही थी, पर BJP सारिया 10 सीटां दे उत्ते BJP ने लड़न का फैसला किया होया सी। एक वड्डी गल उन्होंने आखी है कि गठजोड़ तोड़न के बारे कोई अधिकारित जानकारी नहीं आई है, ऑफिशियल जानकारी उन्होंने कहा कि नहीं आई है। उन्होंने कहा कि JJP वक्रे तौर के उत्ते लोक सभा चोणा लड़ेगी, पर गठजोड़ तोड़न लैके एक वड्डा बयान उन्होंने दिता कि कोई ऑफिशियल जानकारी जिहड़ी है वो नहीं आई है। ये साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि JJP ने लोक सभा सीटां की मांग रखी सी, जिसका जिक्र पहला भी आता रहा कि 2 सीटा मंगिया गई सी, हिसार ते दूजी भवानी महेंद्रगढ़ की जिहड़ी सीट आ उसकी मांग की गई सी, पर उस तो इनकार कर दिता गया सी। ते BJP सारिया 10 सीटां दे उत्ते चोण लड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि गठजोड़ तोड़न के बारे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है हाले तक। तो पहला बयान सामने आया, मनोहर लाल खट्टर ने अज अस्तीफा दिता, दुपहरे ही उन्होंने अपना अस्तीफा जिहड़ा राज्यपाल को भेजा। उस तो बाद हुण नायब सैनी नवे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई सी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल। उस मुलाकात तो बाद चर्चावां छिड़ियां कि दुष्यंत चौटाला अस्तीफा देणगे, JJP BJP गठजोड़ BJP नाल गठजोड़ तो वक्ख होवेगी। हाले तक दुष्यंत चौटाला का कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने जिहड़े होर आगू ने उन्होंने हवाले नाल कई बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि असी कल जिहड़ी रैली रखी है हिसार दे विच, उस रैली दे विच असी अगे दी रणनीति दे बारे ऐलान करांगे कि साडी रणनीति है। पर एक वड्डा झटका जेकर JJP लई वेख्या जाए तो यह जानकारी आ रही थी कि 4 दे करीब जिहड़े विधायक सी वो अज दा जिहड़ा सहुं चुक समागम होया गवर्नर हाउस के उस दे दौरान वो मौजूद रहे जो JJP के विधायक से, तां क्योंकि 10 सीटा ने हरियाणे दियां, JJP चाहती सी 2 सीटा, तो BJP ने उस तो इनकार किया। इसनों सब तो पहला एक सब तो वड्डी वजह मनिया जा रहा है कि गठजोड़ टुटण की यह सब तो वड्डी वजह रही कि JJP इनकार किया गया। हालांकि हुण हरियाणा के CM साबका CM खट्टर कह रहे हैं कि हुण तक कोई भी ऑफिशियल जिहड़ी है अजिहा ऐलान जिहड़ा है वो JJP के वलों सामने नहीं आया है कि गठजोड़ उन्होंने तोड़ दिता है। रात से मैं कह सकता हूं तो एक ही है कि जो JJP के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है, इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे, उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं, उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व तो इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर। अगर घटना के साढ़े 9 साल का आपका कार्यकाल, कितनी संतुष्टि होती है, क्या कुछ आप नया कर पाए सर 9.5 साल में? सर देखिए, बहुत कुछ नया किया है। मैं इस 9.5 साल के कार्यकाल को अगर इसकी एक प्रकार से मैं मूल्यांकन करता हूं तो जितने व्यवस्था परिवर्तन के काम हम कर सकते हैं, जो हमारे ध्यान में आए, जनता को एक ठीक रास्ते पर उनको यानी शासन का लाभ मिले बिना किसी अवरोध के मिले और आसानी से मिले, और जो डिजर्व करता है, पात्र व्यक्ति है, उसको पहले मिले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है बहुत चीज़ों का, चाहे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, और हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जो किया, बहुत पहले एक विचार था कि एम्प्लाइज को
बहुत परेशानी होती है ट्रांसफर के नोट से जैसे जाते हुए, वो हमने किया। भर्तियां पिछले 10 साल से, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिफारिश से या पैसा खर्च करके भर्तियां लेनी पड़ी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डीलिंग, चाहे वो लाइसेंस के हैं, चाहे वो CLUs के हैं, चाहे अन्य प्रकार के, ये सब हमने किए। बहुत चीज़ें कई कई वर्षों से अटकी रहती हैं सरकारी सिस्टम में, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, तो हमने विवादों का समाधान इतने सारे काम लोगों के हित में किए हैं, खास करके जो ज़मीनें हैं, एसेट्स हैं, दुकानें हैं, 20-20 साल पुरानी ऐसे कब्जे की दुकानें कहें या जो लीज पर दी गई थी, पटे पर दी गई थी, उनको उनका मालिकाना हक दिया है। बहुत ऐसे काम किए गए हैं जिसको आज दुनिया याद करती है कि इस समय में 9.5 वर्ष में बहुत नए नए काम हुए जिसका लाभ जनता को सीधा हो रहा। नायब सिंह सैनी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मुझे याद है कि जब पार्टी का काम संगठन मंत्री के नाते मैंने संभाला था 1994 में, उसके कुछ एक दो वर्ष के बाद 1995-96 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यानी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने थे, उसी समय लगभग कार्यालय में काम करने के नाते से नायब सिंह सैनी हमारे पास आए थे और हमने उनके साथ मिल करके जो भी यानी एक प्रकार से कंप्यूटर का काम, खास करके टाइपिंग का काम या हमारे ऑफिस का जो बाकी काम लिखने पढ़ने का, वहाँ से उन्होंने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते एक अच्छा विकास उनका हुआ। लगातार मैंने बहुत प्रांतों में, मेरा भी चुनाव में ड्यूटी लगती रही, तो साथ भी जाते रहे, काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़ने की बात आई 2014 में, तो पार्टी ने, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने एक अच्छे वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते उनको चयन किया, विधायक बने, फिर मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने। उसके बाद उसी 4.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए और अब पिछले कुछ महीने से प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। तो एक व्यक्ति पहचाना जाता है, कार्यकर्ता जिसके अंदर एक गुण है, सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत सबको साथ लेके चलने वाले हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है, समाज में एक स्थान बना हुआ है। तो इस नाते से वही एक मुझे लगता है कि एक मापदंड ऐसे रहे होंगे कि इस व्यक्ति को हम अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रदेश में एक अच्छी खुशी की लौ दौड़ेगी। उस नाते से उनको आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो मेरा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है, जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे, वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है, अब विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है, आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है अगर चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे।